हेलो, दिस इज़ नेहा। वेलकम टू माय चैनल, इट्स नेहा व्लॉग्स अभिजन। एंड गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल माय लेटेस्ट वीडियोस। तो ये वीडियो भी फ्लाइट इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो है। तो जब मैंने ट्रैवल किया था अभिजन टू इंडिया, तो मुझे एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ा था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो एक कोरोना से रिलेटेड ही डिक्लेरेशन फॉर्म था। तो सबसे पहले मैंने अभिजन टू इथोपिया ट्रैवल किया था, देन इथोपिया टू दिल्ली ट्रैवल किया था। तो मुझे फर्स्ट मुझे ये डिक्लेरेशन फॉर्म मिला था इथोपियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें मुझे कुछ चीज़ें थी वो डिक्लेयर करनी थी। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो फिल करनी पड़ती हैं COVID-19 फॉर्म में। तो ये फॉर्म जो है वो मुझे मिला था फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथोपिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। तो इसमें जो चीज़ें फिल करनी है वो मैं आपके सामने बताती हूँ। तो ये एक तरीके से ट्रैवलर हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है फॉर कोरोना वायरस डिजीज़। इसमें फर्स्टली जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, हैव यू विजिटेड एनी कंट्री वेयर COVID-19 हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द लास्ट 14 डेज़। अगर आप ऐसी किसी कंट्री में विजिट किया है जहाँ पे लास्ट 14 डेज़ में कोई भी कोरोना वायरस का केस रिपोर्ट हुआ है, तो आपको यहाँ पे येस पे करना है। अगर नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे नो पे डिक्लेयर करना है। जैसे मुझे नो पे करना था, फिर अगर येस पे कराया तो नीचे कुछ कंट्री लिस्टेड हैं, उसमें से अगर जिस भी कंट्री में आपने विजिट किया था उस पर आपको टिक करना है। जैसे चाइना है, साउथ कोरिया है, ईरान है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज मेंशन है। फिर नेक्स्ट है इसमें, डू यू हैव एनी कॉन्टैक्ट विद COVID-19 केस वाइल यू वर इन COVID-19 इफेक्टिव कंट्री। अगर आप उस कंट्री में गए हो, अगर आप किसी ऐसे पॉजिटिव किसी इंसान से मिले हो, तो उसमें आपको येस या नो पे टिक करना है। अगर नहीं मिले हैं तो नो पे, अगर मिले हैं तो येस पे करना है। लास्ट एग्जिट डेट फ्रॉम COVID-19 इफेक्टिव कंट्री, आप जब लास्ट विजिट किया था वो डेट आपको मेंशन करनी है। फिर आपको यहाँ पे लास्ट सिटी अपनी मेंशन करनी है। पैसेंजर आइडेंटिफिकेशन में आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है, एड्रेस, लोकल एड्रेस, एवरीथिंग। फिर आपको इथोपिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अगर इथोपिया में आप रहने वाले हो तो इथोपिया में आप कहाँ रह रहे हो, या फिर आप उसको इथोपिया के लिए 1 डे स्टे है तो कौन से होटल में आप रुक रहे हो, वो होटल की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जैसे मेरा तो 2 से 3 आवर का ही स्टे था, तो मैंने वहाँ पर वही मेंशन करा था, तो मुझे होटल या फिर कहीं रेसिडेंट की इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अगर आप यहाँ पे नहीं रुक रहे हो तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आपको अपनी हेल्थ की हिस्ट्री पूरी मेंशन करनी है, कोई भी क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको कोई कफ, फीवर या फिर कोई भी ब्रीथिंग ट्रबल से रिलेटेड कोई भी इशू अगर रहा है लास्ट 14 डेज़ में या फिर लास्ट में कभी भी, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अपना सिग्नेचर और डेट, आप जिस भी दिन आपने ट्रैवल किया है वो डेट मेंशन करनी है। तो इस फॉर्म में ईच एंड एवरी थिंग जो है वो सब कुछ मेंशन होना चाहिए कि आपने ट्रैवल कहाँ से स्टार्ट किया है, आप कहाँ पर रुक रहे हो और कितनी देर का स्टे है और आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, वो सब कुछ इसमें मेंशन होगा। तो ये है वो इथोपिया गवर्नमेंट की तरफ से ये फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म मिला था। ऐसे ही एक सेम फॉर्म मुझे तब भी मिला था जब मैं इथोपिया से दिल्ली में ट्रैवल किया था। वो दिल्ली गवर्नमेंट, वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो फॉर्म था जिसमें कि मेरा सब कुछ, लोकल एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन था। तो वो मैं फॉर्म का जो वीडियो था वो मैं नहीं बना पाई थी। तो जो वो वाला फॉर्म था वो मैंने दिल्ली जैसे एंट्री किया था, तो आपको एंट्री पे ही आपकी थर्मल चेकिंग होती है और वो वाला फॉर्म सबमिट हो जाता है और उसकी एक कॉपी आपको मिल जाती है और एक कॉपी उनके पास सबमिट हो जाती है। तो उस पर जो इन्फॉर्मेशन थी उसी के ही यहाँ पे मेरे पास कॉल भी आया था लखनऊ CMO की तरफ से कि मैं हेल्थ वाइज सही हूँ, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी भी तरह का फीवर, कफ एंड कोल्ड ये सब कुछ तो नहीं है। बाकी मुझे एक मेल करना था जो कि मैंडेटरी था सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को, जो कि मैंने किया था, जिसमें मेंशन था मेरी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री, मैंने कब ट्रैवल किया था और कहाँ कहाँ स्टे किया था। आई होप मेरा आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे होम।